आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और जो कार्यक्रम जैसा उन्होंने कहा कि एक महीने पहले ही तय हो गया था कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें आना है, हमें इसमें शामिल होना है। हम भी यहाँ पे इसीलिए आए, हमने कार्यकर्ताओं ने कहा, तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं। और जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की बात हो या बाकी उसके बारे में अवेयरनेस करने की बात हो, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि मुंबई कांग्रेस और महिला कांग्रेस के माध्यम से अब इसके माध्यम से हम स्लम में जाएँ। दुनिया बदल रही है, महिला के सवाल भी जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आज का दिन है, कल 8 तारीख को महिला जागतिक दिन है, जागतिक महिला दिन है। और उसके पूर्व संध्या में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई कांग्रेस महिला कांग्रेस ने रखा है। कि कोरोना वायरस जो देश में या पूरे विश्व में हो रहा है, ज़रूर उसके लिए सावधानी हमें बरतनी चाहिए। पर मैं ये भी कहूँगी कि महिला दिवस का ये कार्यक्रम हमने एक महीने पहले तय किया था और महिलाओं ने तय किया कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अगर हमारे कार्यकर्ता यहाँ आने को तैयार हैं तो हम नेतागण क्यों पीछे रहे, हम भी उनके साथ रहेंगे। ये मेरी प्यारी बहनों को जो कोने कोने से आज यहाँ पे उपस्थित हुई, उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का कार्यक्रम अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे मेरी मुंबई महिला कांग्रेस की सभी जो मेरी कमेटी थी, ऑफिस बेयर्स हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं सारी, मेरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विता चौधरी जी, मेरी मुंबई की सेक्रेटरी सुरेखा पाटिल जी, मेरी वाइस प्रेसिडेंट फरजाना बक्कल जी, अनिशा जी, सुशीला जोशीलाल जी, और जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी पूरी कमेटी है। बस ना, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए मुंबई में कि अगर हमको महिला का सत्कार करना है तो वो उस महिला का सत्कार करना है जो एक साधारण घरेलू महिला है, उसका टैलेंट हमको लाना है बाहर और उसको ये प्लेटफॉर्म में सम्मानित करना, ये हमारा उद्देश्य था, ये हमारी प्लानिंग थी और हम पूरी तरह उसमें सफल हुए। आज जो विनर्स यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हर जिले से कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। रंगोली कंपटीशन में महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को अपने रंगोली के द्वारा प्रदर्शन किया। उसी तरह आज की स्त्री और ऐसे टॉपिक्स के अपने एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने भाग लिया। मेन हमारा उद्देश्य था कि महिलाएं भाग लें, अपने दिल की धड़कन को खोलें और अपना टैलेंट बाहर लाएं। तो आज हमने आज 2 प्रकल्प और ट्रेनिंग चालू की, एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो बहुत ज़रूरी है आज मुंबई में।